हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद एतिमन। इस वीडियो में हम परमानेंट पोस्ट की बात करने वाले हैं। रेगुलर वैकेंसी आई है आर्मी पब्लिक स्कूल से। यहाँ पर हम तीन आर्मी स्कूल की बात करेंगे। टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई है, ऑल स्टेट एलिजिबल रहने वाले हैं। फीस यहाँ पर 100 रुपये लगेगी। स्कूल के जो नाम हैं आप देख रहे हैं थंबनेल में, APS बैंगडूबी, APS सुखना, APS बिन्ना गुरी। यहाँ पर बेसिक पे, DA HRA सब मिलाकर जो है टोटल पेमेंट आप लोगों को तीनों स्कूलों में अलग अलग मिलने वाला है। APS बेंगाडूबी से 34,585, APS सुखना से 34,347 और APS विन्नागुरी से 39,069 आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है। रेगुलर पोस्ट रहेगी। तो चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं कंप्लीट जानकारी के लिए। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा जो कि आप लोगों को ऑफलाइन मोड में ही भेजना होगा। जिस भी स्कूल के लिए आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसी का एड्रेस आप लोगों को डालना है, बाकी सभी डॉक्यूमेंट के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके, और फिर जो है आप लोग दिए गए एड्रेस पर समय पर भेज देंगे। रेगुलर वैकेंसी है आप यहाँ पर देख रहे हैं, और पोस्ट के जो नाम हैं, PGT की पोस्ट है, TGT या PRT की कोई पोस्ट नहीं है। PGT की पोस्ट निकाली गई है। APS बैंक टू बी में ज्योग्राफी की पोस्ट है, APS सुखना में होम साइंस फाइन आर्ट पेंटिंग की पोस्ट है, APS विन्नागुरी में इंग्लिश साइकोलॉजी और हिस्ट्री की वैकेंसी है। तो कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आर्ट्स एंड पेंटिंग की जो है निकाली नहीं जाती है वैकेंसी, जहां पर भी हो हमें बताइएगा। तो इस वीडियो को देखें आप, APS सुखना में वैकेंसी फाइन आर्ट्स पेंटिंग की निकाली गई है। काफ़ी अच्छी सैलरी यहां पर मिलने वाली है। परमानेंट पोस्ट रहेगी, रेगुलर पोस्ट रहेगी। एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर PGT की पोस्ट है, तो यहाँ पर 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट MA या MSc कोर्स आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स के साथ हो, और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd, साथ में BEd MEd मांगा गया है, मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ में, या फिर और आपका जो एक स्कोर कार्ड होता है आर्मी स्कूल में जाने का, उसका एग्ज़ाम आपने क्लियर किया हो, OST CSB AWES स्कोर कार्ड के नाम से जैसे बुलाते हैं। वैकेंसी जब पहले भी आई थी तब स्कोर कार्ड का जो एग्ज़ाम होना था वो मैंने आप लोगों को बताया था। तो अगर जिस स्टूडेंट ने इस साल एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट वो हैव क्लियर्ड CSB या OST एग्जामिनेशन दिस ईयर, तो इस साल तक जिसके पास CSB या OST एग्जाम आपने क्लियर कर रखा है तो आप जो हैं यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आर्मी पब्लिक स्कूल जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो यहाँ पर आपका पढ़ाने का जो मीडियम रहेगा इंग्लिश रहेगा, कंप्यूटर की नॉलेज आपकी मांगी गई है। तो इन शॉर्ट मैं आप लोगों से अगर कहूँ तो PGT के लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट प्लस BEd या MEd होना चाहिए, और आपका जो एक स्कोर कार्ड रहता है OST या CSB या AWES जो भी जिस वर्ष स्टार्ट हुआ होगा जिस नाम से, तो उस नाम से जाना जा रहा होगा, तो आपके पास यदि है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। OST क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर PhD कैंडिडेट फॉर द कंसर्न सब्जेक्ट, अगर किसी ने इन सब्जेक्ट में PhD कर रखा है तो स्कोर कार्ड की जरूरत नहीं है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम AWES वेबसाइट, तो मेन जो इसकी वेबसाइट है यहां से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, और जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपी, एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इन सब की साथ में आपका जो है एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डिमांड ड्राफ्ट लगेगा 100 रुपये का, और जिस स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे कि APS बेंगाडूबी या APS सुखना या APS विन्नागुरी, इसके लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इसी स्कूल का नाम जो है आप लोग एनवलप के ऊपर लिखेंगे, और ये तीनों ही स्कूल वेस्ट बंगाल में है। 30 सितंबर लास्ट डेट रहने वाली है, यहाँ पर लिखा है ईमेल के द्वारा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू फॉर ऑल कैंडिडेट विल बी हेल्ड एट APS बेंगाडूबी इन सेकेंड थर्ड वीक, तो तीनों स्कूल का ही जो है इंटरव्यू आपका कंडक्ट करवाया जाएगा
अक्टूबर के सेकेंड या थर्ड वीक में एपीएस ऑफ बेंगाडूबी में। द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। जिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करेंगे ये आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा तो उनको कॉल लेटर या ईमेल के थ्रू बुलाया जाएगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो 40 ईयर यहाँ पर रखी गई है। स्कूल वाइज सैलरी डिटेल ऑफ पीजीटी एंटर, तो यहाँ पर स्कूल वाइज सैलरी दी गई है एपीएस बेंगाडूबी में। यहाँ बेसिक पे डीए एचआरए सब कुछ मिलाकर है, आप देख सकते हैं 34,000 39,000 जो है सैलरी आपको मिलने वाली है। स्कूल ऑफिस है और तीनों स्कूल के ही जो है नंबर हैं यहाँ पर, फोन नंबर, तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक ये दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। इसको आप लोग डाउनलोड करके और फिल करके फिर आप लोगों को भेजना है। एड्रेस के लिए आप लोग कॉन्टेक्ट अस इस पर जो है क्लिक करेंगे, तो ये जो है कंप्लीट एड्रेस रहने वाला है। और जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई करेंगे तीनों स्कूल में से, तो उस स्कूल का नाम जरूर लिखें, उसी के नाम का जो है डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना होगा। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है क्योंकि एक तो परमानेंट जॉब है, रेगुलर पोस्ट है, आप लोगों को कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है, सैलरी काफी अच्छी है पहले से ही। तो चलिए आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके सेंड करिएगा एप्लीकेशन फॉर्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।